कहानी शुरू होती है वासियों की एशिया इन्विटेशनल से, जब वो अपने कॉलेज में दोस्तों के साथ अपने पैशन के लिए खेलता था, लेकिन ईस्पोर्ट्स एथलीट बनने के सपने हमेशा से थे। एशिया इन्विटेशनल के बाद आईटीएल में वासियों और उसकी टीम की परफॉर्मेंस उनके एक्सपेक्टेशंस तक तो नहीं पहुंच पाई। वासियों अपनी टीम द माफियाज को इम्प्रूव करने के लिए और भी प्लेयर्स ढूंढ रहा था। तब उसकी रैंक पुश करते हुए गोल्डन से मुलाकात हुई। हो रहे ही टाइम में गोल्डन और वासु की बहुत अच्छे से सिनर्जी बन गई और वो इंडिया के टॉप टूर्नामेंट एफएफआईसी खेलने के लिए भी रेडी हो गए। लेकिन 2020 कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इनकी ये जर्नी भी एक पॉज पे आ गई। गोल्डन इस सिचुएशन को लेके अपसेट जरूर था, क्योंकि ये उसका पहला स्टेज टूर्नामेंट होने वाला था। कम्युनिटी में सबने यही प्रेडिक्ट किया था कि वासियो की टीम द माफियाज इंडिया में डोमिनेट करेगी, जिस तरह से वासियो और गोल्डन ने टीम को तैयार किया था। एक टाइम ऐसा भी आया जब फ्री फायर के ऑफिशियल स्क्रिम्स आए, जहां पे वासियो और गोल्डन के कंपटीशन में बहुत सारे चीटर्स आए एंड द माफियाज को टेबल के बॉटम पे पुश कर दिया गया। फ्री फायर ने यहां पे सारे चीटर्स को डिस्क्वालीफाई किया एंड द माफियाज को सेकंड पोजीशन मिल गई। इधर से उनके लिए एशिया ऑल स्टार्स के रास्ते भी खुल गए, जो इनका पहला इंटरनेशनल स्टेज टूर्नामेंट था। इस टूर्नामेंट में वासियों ने अपने लिए गोल रखा था, कुछ भी हो जाए टॉप थ्री में जरूर आना है। लेकिन उनके डिवाइसेस की वजह से वो ये टूर्नामेंट में भी परफॉर्म नहीं कर पाए और एक बार फिर से खुद की एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाए। वासियों के लिए ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था और इस टूर्नामेंट से टीम को भी बहुत कुछ सीखने मिला। ये सब होने के बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी और द माफियाज को एफएफआईसी फॉल 2020 में थर्ड प्लेस जिता के वो स्पॉन्सर्स की तलाश में लग गए। टोटल गेमिंग उनके हिसाब से सबसे अच्छी चॉइस थी, इसीलिए वासियो और गोल्डन ने टोटल गेमिंग के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का निर्णय लिया। वो फाइनली अंदर घुसेगी और रूम के अंदर यहां पे एकदम रेड करेगी, अंदर जा करके एंड रेड करके नेडिंग कर देगी अंदर और नेड मार देगी अंदर एंड लेट्स सी आगे नेड किस तरीके से टैकल करते हमारी फोर नॉन लगातार यहां पे टोटल गेम में सफाई देगी और यहां पे लगातार हमदा हमला कर जा रहा है। बट यहां पे फोर नॉन के अंदर में यहां पे डाउन और रिस्टार्ट करते हैं अपना वासियो और गोल्डन ने एफएफआईसी क्वालिफायर से ग्राइंड की शुरुआत की। देखते ही देखते वो टॉप पे आ गए एंड बाकी टूर्नामेंट्स में भी वो टीम्स को डोमिनेट करने लगे। फाइनली वक्त आ गया एफएफआईसी फॉल फाइनल्स का। उन्होंने दिन रात जो अपनी जी जान लगा के मेहनत करी थी, उसका फल उन्हें एफएफआईसी फॉल की ट्रॉफी के रूप में मिला। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा डिसीजन। वासियो ने बताया कि वो टोटल गेमिंग लाइनअप से अलग होना चाहते हैं। उनके टीममेट्स भी बिल्कुल शॉक थे, लेकिन अब सारा फोकस गोल्डन के ऊपर था, क्योंकि उनके पास सिर्फ दो चॉइसेस थी। या तो वो टोटल गेमिंग के लाइनअप के साथ कंटिन्यू करें, या फिर वासियो के साथ उनका जो ड्यूओ था उसको कंटिन्यू करें और टोटल गेमिंग का हाथ छोड़ दें। वासियो अपनी टीम के लिए फिर से प्लेयर्स ढूंढ रहा था और अपनी ड्रीम टीम बनाना चाहता था। तब उसे मैरिक्स और बार्सा बॉय मिले। गोल्डन ने वासियो की टीम बनती हुई देखी और वासियो से पूछा, टीम में जगह है? वासियो ने उसे बताया कि उसकी जगह हमेशा से थी, वो तो बस इंतजार कर रहा था कि गोल्डन वासियो से पूछेगा कब। ये डायनामिक ड्यूओ के सिनर्जी के लिए शायद शब्द भी कम पड़ जाए। उनके जैसी कोऑर्डिनेशन आज तक फ्री फायर कम्युनिटी में कहीं नहीं देखी गई थी। वासियो और गोल्डन का ट्रस्ट और उनके क्लच प्लेस, उन्होंने खुद का बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब एफएफआईसी जीतने के बाद और भी टूर्नामेंट्स जीतने के गोल रखकर वो आगे बढ़ रहे हैं। गैलेक्सी रेसर में वासियो, गोल्डन, अमन, मैरिक्स और बार्सा बॉय ने सब ने एक दूसरे को मोटिवेट करके ही इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाया है। अब तो बस वक्त ही बताएगा कि इनके लिए आगे क्या लिखा है।